तो आड़ी पैकिंग हो गई है। हाँ। My God, someone is looking very handsome. पर आज जरा बैग पाके तो सी अपना नजर बट्टू लाने हो ना। Is he trying to sit in the car? Oh my God. Tadal, what are you doing? Oh my God. Oh my God. मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अनार छिले जा रहे हैं। यार अनार छिलना ना सच्ची बड़ा टास्क है, और खादा हार्डली 2 मिनट से जाता है, छिलने में आधा घंटा लग जाता है। ओ देखो साड़ी अलमारी टूटी हुई दिख रही है यार। वो नहीं हो गया, अल्लाह तांगी हो गया, हद हो गई यार। हुण बंदे ते इक अद्धा तिलता हुंदा ही है, सारा कुछ सेट है, अलमारी रह गई यार। इहदी प्लाई लगवानी है, कल परसों आएगा बंदा, इहदी प्लाई लग जाएगा। जां खड़वावांगे नवी बनवावांगे, बड़ा लंबा कम पै जाणा इहदे उत्ते। वधिया जी प्लाई लगे, वैसे तां हुण हौली हौली करा ही रहे हां जिन्ना साडे कोल हो पा रहा है। नहीं प्लाई प्लाई रह गई बस, होर की रह गया हुण, होर कहां सोना लवा दईए यार, घर च हो गया सेट बस बस बस। सोहने बंदे हो भाई। नॉर्मल आप इसको फिंगर चिप्स की शेप में भी काट सकते हो, और ऐसे भी काट सकते हो जैसे अभी हमने काटे हैं। और इसको अच्छे से आप पहले पका लीजिए थोड़े से ऑयल में, और मैं थोड़ा सा इसको यू नो ज़्यादा पका लेती हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है। और इसमें बाद में हल्दी और नमक डाल देना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड की हुई है, तो लाल मिर्ची तो मैं अवॉइड करती हूँ, लाल मिर्ची मैं नहीं खाती हूँ। तो अभी बस मैं इसमें नमक और हल्दी डालूँगी, और मेरे आलू बचेंगे रेडी। सो गाइज मेरे आलू बन के हो गए रेडी, मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, और इधर मेरे पराठे हो रहे हैं गर्म, सुबह बनाए थे तो ठंडे हो गए। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे आप सब लोग। सो गाइज गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हुआ है 2:45, 3 बजने वाले हैं, और अभी मैं जा रही हूँ सलोन अपना हेयर कलर करवाने। मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 महीना होने वाला है, सो हल्के हल्के यहाँ ग्रे हेयर आ चुके हैं। और आपको लास्ट टाइम भी पता है कि मैंने मामाअर्थ का ये नेचुरल हिना पेस्ट ही लगवाया था, और इस बार भी मैं यही लगवाने वाली हूँ। बट लास्ट टाइम मैंने 2 लगाए थे, इस बार मैं 3 लगाऊंगी, क्योंकि सलोन के जो जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने कहा था कि मैम 2 जो है वो कम पड़ जाते हैं, तो आप 3 लगाया करो। तो इस बार मैंने 3 ऑर्डर किए हैं, और फिर मैंने अभी कैब बुक करवाई, अभी मैं कैब से ही जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर 3-4 घंटे तो लगने वाले हैं। भाई थोड़ा सा बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम तो खुद ही कर लेती हूँ। और बाय द वे ये मैंने मंगवाया है मिंत्रा से, और बहुत ही ज़्यादा कम्फी है, वॉर्म है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तो मतलब अभी तो नहीं लग रही है, अभी तो चलो 3 बजे हैं, दोपहर है, दोपहर को थोड़ी गर्मी होती है, देखते हैं शाम को कैसा होता है। सो बस अभी मैं निकल रही हूँ, मेरी कैब आ रही है 5 मिनट में। सो गाइज मेरी आ चुकी है कैब, और बस अभी मैं निकल ही रही हूँ, आपको अभी सीधा सलोन मिलती हूँ। Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got... So I think first time hua hoga, salon mein koi na hina lagwane aaya hoga, usually na sab log yahan par aate hain, color karwane. हाँ, और सलोन वाले हिना को मना करते हैं कि हिना नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप कलर नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। बट मुझे था कि मैं हिना ही लगाना चाहती हूँ, और पूरे पूरे यहाँ पर सलोन में हिना की स्मेल फैल जाती है जो वॉश होता है, तो सबको पता लग जाता है कि भैया यहाँ कहीं मेहंदी भी लग रही है। Something to say, yeah.
hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never. हेलो जी, सत श्री अकाल। सो गाइज, अभी जस्ट आई हूँ घर पे अपना हेयर कलर करवा के, नॉट हेयर कलर करा के, मतलब हिना करवा के, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बाल। और कवरेज कहूँगी कि 75% ही हुई है, पर आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था क्योंकि अगर आप इसको 15-15 दिन के गैप में लगाओगे या 20 दिन के गैप में लगाओगे तो जो कवरेज है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। बट मैंने आई थिंक 1.5 महीने के गैप पे लगाया, बट एनीवेज जितनी भी हुई है मेरे को ठीक है, मतलब नॉट बैड, सही लग रहे हैं। और पता नहीं, पर हिना लगाने के बाद ना बाल जो है काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं। मतलब जब मैं लास्ट टाइम भी लगाया था तब भी बाल काफ़ी हेल्दी थे, और इस बार तो जो सलोन में जो स्टाफ है उन्होंने भी कहा कि आपके बाल पहले से काफ़ी हेल्दी हो गए। तो आई थिंक हिना जो भी है तो यू नो नेचुरल चीज़ जो हम अपने बालों में लगा रहे हैं, मतलब कोई केमिकल वगैरह नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ अभी मैं हिना ही लगाया करूँगी, अब मैं कलर वगैरह नहीं करूँगी अपने बालों को, नहीं करूँगी सत्यानाश फैशन के चक्कर में। एनीवेज मुझे बहुत अच्छे लगे, और अभी कर रही हूँ अभी का वेट, वो जस्ट मुझे ड्रॉप करके गए हैं कहीं। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, सेकेंड डे, और अभी टाइम हुआ है 3:30। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी भी रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग अपनी कैब का वेट कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पप्पी बुआ के घर पे, क्योंकि कल है राकेश अंकल की बरसी, उनको गए हुए 1 साल हो गया है, तो कल बरसी है, तो इसलिए हम आज ही निकल रहे हैं ताकि एक दिन वहाँ पर रुक भी पाएँ। बस कैब की वेट है, 3:30 का टाइम दिया हुआ था, अभी तक नहीं आई है। और बाबू चाचा जी बाहर गए हुए हैं, वो हमको कल ज्वाइन करेंगे, वो कल आएंगे। बोला तो था कि यार हमारे साथ चलो, आप भी एक दिन वहाँ पर रह लेते हैं इकट्ठा, भी कभी ऐसे हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, हमेशा जाते आ जाते हैं। तो कहते कि नहीं, मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेडिसिंस वगैरह हैं, जो भी होता है वो, तो वो तो नहीं जाएंगे, वो कल जाएंगे सुबह और शाम को वापस आ जाएंगे। और हम लोग अभी जाएंगे और कल शाम को वापस आ जाएंगे, और कल शायद शम्मी मामी और कुकु मामा भी आएंगे, राधिका भी आएंगी। तो आपको मैं कल वाले व्लॉग में बताऊंगी कि कौन कौन आ रहा है इंट्रोड्यूस, कल या परसों वाले व्लॉग में, मतलब आने वाले व्लॉग्स में भी कौन कौन आया है हमारे फैमिली मेम्बर, हाँ सबको मिलाऊंगी। बस अभी निकल रहे हैं और आपसे मिलते थोड़ी देर में। तो आड़ी पैकिंग हो गई है, कितने बैग तो दिख नहीं रहा मैनू, अच्छा थल्ले हैं ते, ओ प्लीज अंदरों मैनू स्टोर तो कर दो, मैं तो अंदर जा नहीं हो रहा बैग। सो मेरा ये बैग हो गया है कि हाँ ठीक है, एक मिनट, इसमें सो एक ये बैग मैंने किया पैक, इसमें मेरी मेडिसिन और मेरे नाइट सूट और कल जो पहनूंगी वो कपड़े हैं, देन थोड़ा मेरा कॉस्मेटिक, और इसके अंदर मेरे गोभी के पराठे और अभे के जौ के जौ थोड़ा ज्वार ज्वार के पराठे हैं, और ये मेरा चटपटा आम, ये तो मैं लेके जाती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, कभी बार ना जी कच्चा होने लग जाता है, तो अभी ये वाला सामान जो है वो इस बैग के अंदर तो आ नहीं रहा, तो इसलिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। सो गाइज, कैब आ गई है, और मुझे पता नहीं था, बाहर 15 मिनट से खड़ी थी, अभी गए थे बात करने के लिए तो मुझे आके नहीं बताया था, तो 3:30 ही आ गई थी, मुझे लगा वो आया नहीं। तेनू कहा थी कि बाहर आ गई कैब, मैं शायद सुनिया नहीं हैगा, तो मैंने ना अभी फिर से उनको कॉल किया जो ड्राइवर थे, मतलब जो अरेंज कराते हैं, तो उन्होंने कहा वो तो 3:30 ही आ गई है, तो मुझे पता नहीं था, तो बस अभी सामान रखते हैं और निकलते हैं फटाफट। और जाते हैं, हमको गजरेला भी लेना है नमिता के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ का गजरेला नमिता को बहुत पसंद है, तो वहाँ से गजरेला लेंगे 2 बॉक्स और फिर निकलेंगे। सो मैंने इसमें मेरे बच्चे आलू और आम का अचार डाल लिया, इनकेस अगर रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैं गोभी के पराठे अचार के साथ खा सकती हूँ। ओह माय गॉड, समवन इज लुकिंग वेरी हैंडसम, पर आज जरा बैग पाके तुम अपना नजर बट्टू लाने हो ना सारा गेम खराब हो जाता। चलो वो वेट कर रहे की करो, रहन तो इतना ना करो, या बैठ के कार च कंफर्टेबल बैठो ना उतार के बैग, इधर मैं बहुत कंफर्टेबल हूं।
नहीं होंगे तो मैं लग रहा कि कुछ मिसिंग है। हद हो गया यार, हो गया चलो। फाइनली वी आर लीविंग 4 बजे। वही होता है यार, जो टाइम दिया होता है ना हमेशा ऐसा होता है भी ये ना रह जाए ये ना रह जाए, इसी के चक्कर में। दीदी ऑन दीदी, ओए हाय प्यारा लग रहा है यार, क्यूट 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 क्यूट। कम आओ जोर लो, कम या वाओ आ जाओ हुण, प्रेम खाली बड़ी देर दा 4 बजे पता 3:30 निकलना। हाँ तो मैं थोड़ी लेट कराया। और की नहीं तो आड़े ऑडिशन में लेट कराया तो चलो आ फड़ो, लो आ फड़ो खोल लो। बेदी ट्राइंग टू सिट इन द कार, ओ माय गॉड। पिलो लवा या नहीं, वैसे लोड नहीं है की पिलो, नहीं नहीं लोड आ हैगा ना। सो गाइज 4:15 हो गए हैं, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं घर से। भाजी भी 3:30 दे वेट कर रहे हैं, 45 मिनट उन्होंने भी लेट कराता। शीरा नहीं गेट करनी, गाजर का हलवा लेना ना।